डिपेंड है, वो खुद काम कर रहा है, दुकान बंद कर देगा पैसा ना, उसको बिजनेस नहीं कहते हैं। बिजनेस वो होता है जो चार दिन घर पे बैठ भी जाए तो भी धंधा पैसा है, उसको बोलते हैं बिजनेस। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर बन गया, हॉस्पिटल खोल दिया मैंने, मेरा बिजनेस है हॉस्पिटल, वो चार दिन बंद, वो चार दिन हॉस्पिटल नहीं रहेगा डॉक्टर तो क्या चलेगा उसका? हाँ, लेकिन वो बिजनेस है जिसके हॉस्पिटल 10 चल रहे हैं, 20 चल रहे हैं, ऑटोमेटिक काम हो रहा है। हेलो, क्या है बिजनेस? तो दोस्तों, बिजनेस करना, आपको 10 लाख रुपया महीना कमाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्टार्टअप शुरू करना पड़ेगा, और एक स्टार्टअप को शुरू करने के साथ साथ आपको अकेले को काम नहीं करना पड़ेगा, लोगों को काम करवाना पड़ेगा। देखो, चाय बेचने वाला हजारों करोड़ का बिजनेस कर लिया, सोच देखिए आप। एमडीए चाय वाला का नाम सुना आपने? एक दिन वो बता रहा था कि मैं जब फुटपाथ पर ऐसे ही अपनी टेबल लगाकर चाय बनाना मैंने शुरू किया, लोग मेरे पास नहीं आते थे, मैं लोगों के पास में चाय लेकर जाता था। सुना नहीं सुना सर, बताइए। राइट राइट, कहते कि लोग मेरे पास नहीं आते, मैं लोगों के पास में जाता था, लोगों को जाकर चाय पिलाता था। वो कह रहा, मुझे एक दिन पता था कि इस काम को, ये लोगों के सामने ये काम हल्का हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन मेरी नजरों में काम बहुत बड़ा था। मैंने अपने आप को यह सोचा कि एक ऐसी ब्रांड खड़ी करूंगा जो कल मैं काम नहीं करूंगा, मेरे लिए लोग काम करेंगे। लेकिन एक दिन उस आदमी को खुद को लोगों के पास में जाना पड़ा था। हेलो, यस सर। आज उसने क्या किया, जगह 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 अपनी फ्रेंचाइजी खुल गई, खोल दी, और आज उसकी 1000 फ्रेंचाइजी है। यदि सुबह एक चाय एक फ्रेंचाइजी से बिकती है, हेलो, तो 1000 चाय एक सेकंड में बिकती है, बिकती नहीं बिकती? हेलो, वो किसके लिए बिक रही है? उसके लिए बिक रही है जो खोल रहा है ना।